पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रही बस में अचानक बस चालक और सवारी में नोकझोंक हो गई, जिसके बाद यात्री ने गुस्से में आकर स्टेयरिंग घुमा दिया जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार लगभग 100 यात्रियों में से 2 दर्जन घायल हो गए, जिन्होंने आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मुरादाबाद काशीपुर मार्ग पर आए दिन डग्गामार वाहन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। डग्गामार वाहनों के कारण ही कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, परंतु परिवहन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है मुरादाबाद से काशीपुर जाने वाली बस में अचानक बस चालक और सवारी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद यात्री ने गुस्से में आकर स्टीयरिंग घुमा दिया जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 100 यात्री सवार थे, जिसमें 2 दर्जन लोगों को चोट आई है। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने किसी तरह यात्रियों को बस में से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। फिलहाल सवाल यह है कि डग्गामार वाहन आखिर किसके इशारे पर मार्गों पर दौड़ते नजर आते हैं। सर, एक पतला लड़का था, बाल लंबे से थे उसके, दिलादुरा से बैठा मैं, वो लड़ते हुए आ रहा सवारियों से। यहाँ आके उनने फ़ोन करा कि ठाकर द्वारे में ना मेरे आदमी आ रहे हैं, तुम्हें मारेंगे। उसके बाद में उनने बोला वो ना मैं सबको मार दूंगा, बस का हैंडल काट दिया उन्हें ऐसे करके इधर को। किसी लड़के ने? हाँ, ड्राइवर सही चला गया, उसके पास में बैठा था वो, तो उसने हैंडल काटा अपने हाथ से ही, वो खंती में गुजर पलटी है, बस वो भाग गया है।